संबलपुर लोकसभा आसन रु बीजेपी प्रार्थी हेबा परे केंद्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज सका श्रीमंदिर जाई महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन कर गोटे बड़ पवित्र दिन दोल पूर्णिमा तासह आज सुना बेश भी हम आज दिन में महाप्रभुंकर आशीर्वाद पाइबा यहाँ गोटे परम सौभाग्यर विषय मुझे आसी महाप्रभुंकर आशीर्वाद नापी देश लोकसभा निर्वाचन आम राज्य विधानसभा निर्वाचन बिगुल बाजी सारी अवसर रे आम समस्ते एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृष्टि को लेकिन संकल्प को लेकिन योजना को लेकिन दस वर्षर उपलब्धि को साक्षी रखिक आगामी 25 वर्षर स्वप्न को लेकिन भारतर घर घर को जीवार संकल्प होइछि ओडिशा रे भी परिवर्तन अवसंभावी परिवर्तन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया महाप्रभु निजे ही नवकलेवर हुवंती परिवर्तन को स्वीकार करिक ओडिशा रे गरीब लोकंकर कल्याण पाई मातृशक्तिर उत्थान पाई युवकर सशक्तिकरण पाई कृषकर सशक्तिकरण पाई वंचित वर्गर विकास पाई महाप्रभुंकर आशीर्वाद नहीं कि नरेंद्र मोदी देश में एक नुआ कार्यशैली आरंभ कर डबल इंजन सरकार हो यहाँ आज आम मोर बंधु मानक मुझे आज आसी आशीर्वाद नापी मोर पूरा भरोसा महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद ओडिया लोकों स्वार्थर भारतीयों स्वार्थर आमर जननायक नरेंद्र मोदी सांगे अच्छी यहाँ मोर प्रभु पाखे कामना कली मोर विश्वास भी अच्छी आम ए सफल हम योजना को उपलब्ध कर सारा ओडिशा रे गोटे विप्ल सृष्टि करतेज हम पूरा ओडिशा रे संसदीय क्षेत्र में देखो गणतंत्र रे परिश्रम विकल्प ना लोकों पाक जाकि विनम्र सह गत 10 वर्षर प्रधानमंत्री अद्वितीय उपलब्धि को घरे घरे पहुँचेबार ओडिशार एक कोटी घरे पहुँचेबार आमर दायित्व ये काम आम अच्छु मोर पूरा विश्वास लोक या आशीर्वाद करेंगे एथर संबलपुर निर्वाचन मंडली संसदीय क्षेत्र कौन आह्वान देवे विकास तो पहुँची आते विकास योजना रख मोर राष्ट्रीय नेतृत्व पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करी पूरी भलिया आम ओडिशार अन्य आस्थार केन्द्र सांस्कृतिक केन्द्र अर्थनैतिक केन्द्र संबलपुर रे माँ अधिष्ठात्री देवी समलई पाखरे मते आशीर्वाद मिलिबार सौभाग्य मिलिबो ए प्रकार मनोनयन मोर हेछि मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि प्रधानमंत्री पाखरे राष्ट्रीय सभापति पाखरे गृहमंत्री अमित शाह पाखरे पार्लियामेंट्री बोर्ड पाखरे मोर पूरा विश्वास संबलपुर रा जनता प्रधानमंत्री विकास को तांक अंचल आणिमा पई मते गुंडुची मुसार दायित्व देबे एटा मोर भरोसा आज केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान संबलपुर संसदीय क्षेत्र रु बीजेपी प्रार्थी घोषणा करबा परे केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर दर्शन करिछंती जगन्नाथ मंदिर दर्शन कर सारे फेरी केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बड़दाण्ड दंडवत करते केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ये सीधा सड़क चित्र आपण मैंने देखुले अर्ग स्क्रीन रे कारण व्यवधान एत नथिला किंतु एथर निश्चित पकरे सहज हम बोली भावुछन मु आज बहु पवित्र दिन रे आज दिन रे आम महाप्रभु दर्शन करिछु आम नेतृवृंद ये उपस्थित अछंती महाप्रभु को आज आम आशीर्वाद लोड़ीचु महाप्रभु को धन्यवाद देचु कि सी पुणी थे जनता मध्य को जीवापाई पूरी आसन रु आमको टिकट देती आम धन्यवाद दौचु आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को श्री अमित शाह को श्री जेपी नड्डा जी को एवं भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड को विगत थर निर्वाचन 2019 निर्वाचन में मु अल्प व्यवधान रे पुरी रे रही जाइली सेत मुझी महाप्रभु को दर्शन कर आसी महाप्रभु कही मत एत शीघ्र प्राप्त करी हबनी
तपस्या करिबाकु हबो, जनताको मध्यरे रहिबाकु हबो। मु महाप्रभुंका आज्ञा पालन करिछि, जहाँ मु प्रतिश्रुति जनताको देइथिली 5 वर्ष तांको मध्यरे रहिछि, तांको पई काम करिछि, तांको दुख सुखरे छिडा हेछि। गोटे जनप्रतिनिधि पई, जणे राजनेता पई, जणे सेवक पई एया ही तपस्या। मु महाप्रभुंकर आगरे तपस्या करिछि, जहाँ फल महाप्रभु देबे ताहा आमे स्वीकार करिबे। ए 5 वर्ष भितरे कोन सबु विकास करा जायथिला भारतीय जनता पार्टी पक्षर एवं केन्द्र सरकार पक्षर एवं विकास आउरी परिपाटी कौन रही देखु। आज विकास परिपाटी आप प्रश्न पचार विकास पर्यायवाची हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। आप मन पकातु 2014 पूर्व जो निर्वाचन घटित होता भारत वर्ष तार पर्याय रोला जातिवाद परिवारवाद इत्यादि, किंतु 2014 पर यह परिभाषा परिवर्तन हो आहापर हिसाब होची किए केते पाइखना घर देची, किए केते बासगृह देची, किए केते गैस सिलिंडर जोगे देची लोकंकु, हर घर नल किए केते देची, किए केते पानी जोगे दोची। ए जो वार्तारे परिवर्तन होची, नरेटिव रे चेंज होची, ये नरेंद्र मोदी आसीबा परे होची, ये बहु बड़ परिवर्तन। आज्ञा भारत वर्ष संभव नथिला, आगुरु केवल जाति गणना होतला, एते हिंदू एते मुस्लिम एते अमुक जाति एतिक अमुक जाति से आम जीती जीवा। एबे किंतु किए जितिबो, जिए जनता पई सेवा करछि, जिए देश पई विकास करछि, आउ ए चरित्र को भारत वर्ष राजनीति रे नेकी आछंती आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। आज मु भी कहिबी, मु जो कैंडिडेट हेछि पुरी रु, ये संबित पात्र कैंडिडेट हेनी। मु आज पुरीवासी को कहिबी, समस्त को कहिबी, आज्ञा संबित पात्र को नुह, नरेन्द्र मोदी कैंडिडेट हेछंती, नरेन्द्र मोदी को वोट दियंतु। आज तारु पवित्र दिन रे आरंभ होला फुला फुटिला ओडिसा रे देखते सीधा सड़ख चित्र पूरी रु बीजेपी मुखपत्र अथवा वर्तमान काली संसदीय पूरी संसद प्रार्थी घोषणा होता संबित पात्र प्रतिक्रिया रखुते जे से बुठारु बड़ कथा कहते जे सीए प्रार्थी नुहंती, नरेन्द्र मोदी प्रार्थी होती, नरेन्द्र मोदी को भोट देवाई से ओडिशावासी को अपील कर। दर्शन करी फेरुछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, ये सीधा सड़क चित्र पूरी धर्मपत्नी मृदुला ठाकुर प्रधान मध्य सहित रही। गत काली बीजेपी तार संसद प्रार्थी घोषणा करथिला, सेथरे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान संबलपुर आसन रु लड़िबे बोली घोषणा करा जायथिला, एवं एहा विधिवत घोषणा प्रकाश पाइबा परे, तालिका प्रकाश पाइबा परे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पुरी रे पहुंची छंती। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर दर्शन करी वर्तमान समय फेरुछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। ओडिशा रे जो भली भाव रे बीजेपी विकास रो धारा आगकु बही नैछि, सेथिपाई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आगामी दिन में संबलपुर आसन रु जितिबे बोली मध्य दृढ़ोक्ति प्रकाश करिछंती। ये सीधा सड़क चित्र श्रीमंदिर जाए महाप्रभु को दर्शन करी फेरुछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। संबलपुर रु लोकसभा आसन रु प्रार्थी घोषणा हेबा परे से केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जगन्नाथ मंदिर दर्शन करिछंती, जगन्नाथ मंदिर दर्शन करी फेरुछंती केन्द्रमंत्री। सीधासख दृश्य देखुंट रश्मि किभली भाव में केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान श्रीमंदिर जाते पखापाखि 1 घंटा श्रीमंदिर अतिवाहित करते महाप्रभु से दिव्य मंगल आरती को दर्शन करते पूजार्चना करते सांगे धर्मपत्नी रही जिला सभापति रही आश्रित पट्टनायक पुरी पुरी सांसद प्रार्थी भाव डॉक्टर संबित पात्र सांगे जाते आप पूरा दृश्य देखिपड़ पूरा सपरिवार महाप्रभु आशीर्वाद नहीं महाप्रभु आशीर्वाद नहीं मैदान को ओह्लैबे और जो प्रतिक्रिया रखुते पाखापाखि 10 वर्ष जो हिसाब बा 10 वर्ष जो विकास हिसाब लोक मैंने वर्तमान मोदी सरकार के ऊपर आस्कट कर तो से भाव में संबलपुर विकास किभली भाव हो पार और संबलपुर आहरी विकास हो पार से नहीं मोदी से बद्धपरिकर रही पूरी सांसद जी प्रार्थी रही भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर संबित पात्र प्रतिक्रिया शुणुते किभली भाव जो सब पूरी जो भारत सरकार जो जनकल्याणकारी योजना रही योजना गुड़िक वर्तमान सुधा पूरी में पहुँची ना से किभली भाव से योजना गुड़िक कार्यकारी कर सीधा सड़क प्रतिक्रिया रखिंट ये हूँ पूरा दृश्य देखुंत साधारण भक्त श्रद्धा सहित तो केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सेल्फी उठाऊँच निहाती भाव में ये गोटे उदार हृदय परिचय रश्मि ये गोटे उदार हृदय परिचय एभली व्यक्तिशेष निश्चित भाव में भारत इतिहास में बहुत विरल था से तो समस्त से अति जनप्रिय नेता हो पार आप तार पूरा सीधा सड़क दृश्य देखिपड़ श्रीमंदिर सिंहद्वार बाहर।
ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳି ଦେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏକ ଘଣ୍ଟା ରହି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ। ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 5:40 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡୁଆ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ପୁରା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେବା କଥା ସମ୍ବଲପୁରରେ, ସେ ବିକାଶର ଧାରା ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ବଜାୟ ରହିବ, ଇଏ ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରଶ୍ମି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ରଶ୍ମି କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ନବକଳେବରର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ନବକଳେବର ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ରଣହୁଙ୍କାର, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ପୁରା ରଣନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମା ସମଲେଇ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତମାମ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ। ଇଏ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।